गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बात है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे नरेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, स्पीकर की कही हुई बात को, किसी ने हमसे कोई बात कही और हम किसी और से उसी के शब्दों में हूबहू ज्यों का त्यों जैसे उसने हमसे कहा था वैसे ही हम किसी और से कहते हैं, तो वो कहलाता है डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, और किसी और की बात किसी और से अगर हम कहें लेकिन अपने शब्दों में, ठीक है, वो कहलाता है इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन मीन्स वर्णन, स्टेटमेंट, कथन। ठीक है, और ये तो हम सब की आदत होती ही है ना, लेडीज हो, जेंट्स हो, बॉयज हो, गर्ल्स हो। ठीक है ना, अगर किसी की भी बात को किसी से कहना, जनरली हम सब करते हैं, ये सब जरूरी होता है। ठीक है ना, कहानियों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने एसर्टिव देखा था पिछले वीडियो में। ठीक है, आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो देखा करो बच्चों, तब तो समझ में आएगा। ठीक है, और तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग की समझ में क्या आया और क्या नहीं आया। जब कमेंट करेंगे तब तो मुझे पता चलेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगता है और जरूरी भी है, आगे चल के बहुत जरूरी है जब हम कहानी लिखते हैं। ठीक है ना, उसमें नरेशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, वाक्य को जो है सही करके लिखना, सही तरीके से लिखना। ठीक, किसके शब्दों में है, ये अपने शब्दों में है या ये स्पीकर के शब्दों में है। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो आप लोग जानते हैं कि सेंटेंसेस 5 तरह के होते हैं, एसर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो एसर्टिव हम लोगों ने देखा था कि वो हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे उसमें चेंजेस करते हैं। आज हम लोग देखेंगे इंटरोगेटिव। ठीक, इंटरोगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग जो है कैसे चेंज, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, जिसमें पता होगा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है ना, उसने मुझसे पूछा, इसमें क्या था, उसने मुझसे कहा, वह मुझसे कहता है, उसने कहा, वह कहता है, लेकिन अब जो हम आज जो हम देखेंगे वो होगा प्रश्नवाचक। ठीक है, पूछा, उसने मुझसे पूछा, भाई कोई कुछ पूछता है यानी कि वो हमसे प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, क्या वह घर गया, उसने मुझसे पूछा क्या उसने खाना खा लिया, ये सब पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव है। अच्छा, उसमें हम लोग कंजंक्शन एसर्टिव में दैट लगा रहे थे, राइट, दैट कंजंक्शन। तो इन दोनों को ये आप लोगों ने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, पीछे पढ़ा था ना आप लोगों ने, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जब हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, तो उसमें दैट कंजंक्शन लगा रहे थे। इंटरोगेटिव में हमारा कंजंक्शन क्या होगा, अच्छा ये पहले सुन लीजिए, ध्यान दीजिए, इंटरोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक वो जो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच हमारी, रिपोर्टेड स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इज एम आर, अगर स्टार्ट होती है हेल्पिंग वर्ब, यही है ना, इज एम आर, वॉज, वर, डू, डज, विल, शैल, हैज, हैव, हैड, ठीक है ना, यही सब, अगर इनसे हमारी रिपोर्टेड स्पीच शुरू होती है, जैसे ये देखिए आर से शुरू हुई है ना, आर से शुरू हुई है, ये है आर, है,
यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुई है, इस से शुरू हो, एम से हो, आर से हो, वॉज, वर, ठीक है ना, डू, डस, डिड, ठीक है ना। अगर मतलब ये समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच हमारी यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होती है, ठीक है ना, तो एक तो वो हो गया इंटरोगेटिव, और दूसरे टाइप का इंटरोगेटिव कौन सा, जिसमें जो है ये है, देखिए, वेयर डू यू लिव, जिसमें डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड से शुरू, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच कहें तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए ये वाला इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला भाग, ठीक है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आरबी कहते हैं, इसको आरएस, ठीक। तो तुरंत क्लिक होना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच बोला तो ये, रिपोर्टिंग वर्ड बोला तो ये, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला पोर्शन, ठीक है। तो अगर व्हाई, वेयर, व्हाट, हाउ, हु, हूम, अगर इनसे हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, ये देखिए वेयर से हुई, क्वेश्चन वर्ड है, ये सारे क्या होते हैं, कौन, क्यों, कब, कहां, कैसे, हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है ना। अगर इनसे हु, हूम, इनसे स्टार्ट होती है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है, तो एक इंट्रोगेटिव हो। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, तो हम लोग कंजंक्शन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं जब, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, कंजंक्शन हम लोग लगाएंगे इफ या वेदर, इनमें से कोई एक, ठीक है, समझ गए। यदि हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऑक्सिलरी वर्ब या इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं से स्टार्ट होती है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, तो हम लोग उसको जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो इफ या वेदर, इनमें से कोई एक कंजंक्शन लगा देते हैं। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच क्वेश्चन वर्ड से, वेयर से हो, चाहे व्हेन से हो, चाहे हु से हो, चाहे हुम से हो, चाहे हाउ से हो, अगर इनसे क्वेश्चन वर्ड से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है, तो अलग से कनेक्टिव वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यही जो क्वेश्चन वर्ड हमारी डायरेक्ट स्पीच में आता है, वही हमारा कंजंक्शन का कार्य भी करता है, कनेक्टिव वर्ड वही हो जाता है हमारा, इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द वही, वही क्वेश्चन वर्ड जो हमारा आया है डायरेक्ट स्पीच में, उसी से हम लोग इनडायरेक्ट में कनेक्टिव वर्ड का काम वही करेगा, वही वाला वर्ड करेगा, ठीक है, क्लियर। बाकी जो टेंसेस का चेंज था, प्रोनाउंस का चेंज था, पोजीशन का, टाइम का जो चेंज था, वो हम लोग जैसे एसर्टिव में कर रहे थे बिल्कुल वैसे ही होगा। बाकी सारे चेंजेस जो हम लोग प्रोनाउंस के कर रहे थे, टाइम के और पोजीशन का और जो है टेंस का चेंज जो हम कर रहे थे, वो जो एसर्टिव में कर रहे थे ना, अभी पिछले वीडियो में जो हमने सीखा था, चार्ट पूरा दिया था, एक चार्ट और दो चार्ट दिए थे ना, एक आज दे दूंगी, ठीक है, आज वो वाला चार्ट नोट करना, टाइम वाला, ठीक है, तो तीनों चार्ट हो जाएंगे, उससे आप लोग को बहुत मदद मिलेगी। तो बाकी चेंजेस सब वैसे ही होंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव कैसे चेंज करेंगे। राम सेड टू मी, आर यू रीडिंग बुक, अब सेड और सेड टू, इसको और देख लेते हैं। सेड यदि रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड या सेड टू आया है, तो इसको अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे आस्क्ड में, एसर्टिव में टोल्ड में कन्वर्ट हो रहा था, राइट, टोल्ड में सेड को, सेड टू को टोल्ड में बदल रहे थे ना। इंटरोगेटिव में ये ध्यान रखना है आप लोगों को कि हम लोग को सेड टू बदलना है आस्क्ड में, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा जाता है, इसमें प्रश्न करता है कोई, इसमें कोई हमसे प्रश्न पूछता है, और आस्क्ड मीन्स पूछना,
और टोल्ड मीन्स कहना, कहा, ठीक है। टोल्ड मीन्स कहा, आस्क माने पूछा, ठीक है। तो अब राम सेड टू को बदला आस्क में, ठीक है ना। इसमें देखिए पूछा है ना, राम सेड टू, राम ने मुझसे पूछा, क्या आर यू रीडिंग अ बुक, क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है। राम आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, क्या लगेगा ये इफ या वेदर में से एक लगाएंगे तो इफ, ठीक है। अब आपने एक रूल ये देख लिया, सेड टू को बदलेंगे आस्क में। दूसरा आपने देखा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो इफ कंजंक्शन लगाएंगे, दो हो गए। तीसरा रूल देखिए, जो डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस रहता है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस रहता है, उसको हम लोग साधारण वाक्य में बदल देते हैं, ठीक। यानी कि ये एसर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, साधारण वाक्य बन जाएगा, पॉजिटिव बनाएंगे इसका, ठीक है। तो अब ये देखिए, प्रोनाउन तो वैसे ही चेंज होगा, बताए ना, जैसे पिछले वीडियो में हमने एसर्टिव सेंटेंसेस बनाते समय चेंज ही किया था। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यू कैसे बदला जाएगा, मी से, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है यहां पर, तो ऑब्जेक्टिव केस में है, ये यहां सब्जेक्टिव केस में है, या नॉमिनेटिव केस में है, तो सब्जेक्टिव, यहां पर हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो इसका सब्जेक्टिव केस आएगा, क्या आ जाएगा, आई, ठीक। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा, उम्मीद है आप लोगों ने चार्ट अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, ठीक, रीडिंग अ बुक, ठीक है, और फुल स्टॉप। चौथा रूल इसका, जब ये इंट्रोगेटिव था इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा था, क्वेश्चन पूछा गया था ना इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा था। अब जब हमने यहां इसको साधारण वाक्य बना दिया तो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क हटा करके फुल स्टॉप आएगा, ठीक है। ये है इसके नियम। दूसरा देख लेते हैं, राम सेड टू मोहन, राम आस्क्ड मोहन, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भी विल से शुरू हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है, ठीक है। इसको भी एसर्टिव सेंटेंस बनाएंगे, साधारण वाक्य बना देंगे, इसको भी यू को बदलेंगे मोहन से, मोहन थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो यू को जब हमने बदला मोहन से तो क्या आ जाएगा, इफ ही, विल हो जाएगा वुड, गो टू स्कूल, और टुडे का हो जाता है दैट डे, ये अभी आज चार्ट आप लोग को नोट करा दूंगी, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क हटके लग जाएगा फुल स्टॉप, टुडे कन्वर्ट हो जाता है दैट डे में, ठीक है। राम आस्क्ड मोहन इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। थर्ड देखते हैं, शी सेड टू राम, डू यू गो देयर डेली, शी सेड टू को फिर आस्क्ड में किया, शी आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, इफ यू थर्ड पर्सन है, सॉरी सेकंड पर्सन है, राम थर्ड पर्सन है, तो यू को बदलेंगे हम लोग राम में, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। राम से बदला तो आ गया ही, ठीक है। वेंट देयर डेली, देखिए डू प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हम इसको बदलेंगे साधारण वाक्य में, एसर्टिव सेंटेंसेस में, तो
प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इंडायरेक्ट होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नॉट लगा होता, इसमें मान लीजिए नॉट लगा होता, तो फिर क्या हो जाता, डिड नॉट गो। तो हम इसको बनाते डिड नॉट गो। अब चूंकि नॉट नहीं लगा, नेगेटिव नहीं है ना, इसलिए यही रूल है ना, टेंसेस पढ़े थे यही रूल है। तो ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी वी वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट आ जाएगी। ही वेंट देयर डेली। ही सेड टू मी वेयर डू यू लिव। अब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो कनेक्टिव वर्ड अब हम लोग इफ नहीं लगाएंगे, यही कनेक्टिव वर्ड हमारा हो जाएगा यहाँ पर। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। देखिए फिर इसकी सेकंड फॉर्म आ गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा लिव लिव्ड, ठीक। और ये यू बदला मी से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन है, तो इसमें क्या होता है, मी है ना, आई माई मी, लेकिन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेगा, ऑब्जेक्ट तो यही है ना, तो आई, यहां सब्जेक्टिव के सकेंगे आई लिव्ड। ही सेड टू मोहन हाउ मच मनी डू यू वॉन्ट। ही आस्क्ड मोहन, देखिए हाउ मच, ठीक है, हाउ मच, यही कनेक्टिव वर्ड हो गया मनी। ही वॉन्टेड, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेकेंड फॉर्म आ गई इसकी वॉन्टेड, ठीक। और क्वेश्चन मार्क हटा के क्या, फुल स्टॉप, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ इंटरोगेटिव। अभी इसका टाइम का चार्ट और नोट करिए आप लोग। हाँ, ये चार्ट नोट करिए, ठीक है, इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। रूल्स फॉर द चेंज ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिस आया, ठीक है, तो जब हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, देखिए अभी जब हम पीछे सेंटेंसेस हम लोगों ने बनाए थे, तो उसमें टुडे आया था तो दैट डे किया था ना, दिस आया था दैट किया था, ठीक है ना। तो दिस का दैट हो जाता है, दीस दोस हो जाता है, हेयर को देयर में बदलते हैं, नाउ को देन में, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट ईयर, ठीक है। तो उसको अगर आता है लास्ट वीक आता है या लास्ट ईयर आता है, तो दोनों में द प्रीवियस वीक कर देंगे, और ईयर आता है तो द प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो माने आने वाला कल होता है ना, तो नेक्स्ट डे अगले दिन, ठीक है ना। टुमारो डायरेक्ट में अगर आता है टुमारो, तो उसको द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर आता है तो द फॉलोइंग वीक या द फॉलोइंग ईयर। अगो, अगो आता है तो उसको बिफोर में बदल देंगे या अर्लियर। द डे बिफोर यस्टरडे आएगा तो टू डेज बिफोर, द डे आफ्टर टुमारो तो इन टू डेज टाइम, ठीक है ना। तो ये चार्ट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोटबुक में नोट डाउन कर ले, ठीक, इसकी प्रैक्टिस कर ले। तो ये इंटरोगेटिव हो गया। अब बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस के साथ। अभी अपना यही नरेशन पार्ट चल रहा है, ठीक है, नरेशन ही चल रहा है, उसी के हिस्से चल रहे हैं अभी, ठीक है। एसर्टिव हो गया हमारा, इंटरोगेटिव आज हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे, कौन सा लेकर के, कौन सा बोलो, यस इंपरेटिव। तब तक के लिए टेक केयर।